तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बेल्ट्रेक के बारे में, जैसे कि बॉल्ड कोस्ट का भी ब्लेड बेल्ट्रेक कैसे मिला, साथ ही साथ क्या बेल्ट्रेक एक फीमेल स्पिरिट है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बेल्ट्रेक से रिलेटेड। तो फिर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो बेल्ट्रेक को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ये बेब्लेड वर्स्ट की मेन कैरेक्टर वोल्टावी का बेब्लेड है, और आज बॉल्ट अगर कोई लेजेंडरी बेब्लेडर है तो वो सिर्फ बेल्ट्रेक की वजह से है, क्योंकि बेल्ट्रेक उसे हर मैच में जीतवाता है, और वॉल्ट हमेशा बेल्ट्रेक की वजह से हारते हारते एंड में जीत जाता है। फिर ऐसा समझ सकते हो कि बेल्ट्रेक की वजह से ही वॉल्ट आज नंबर वन लेजेंडरी ब्लेडर है, और वो इसकी वजह से चैंपियन भी बना था। तो हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं कि वॉल्ट को उसका बेब्लेड बेल्ट्रेक कैसे मिला। तो एनिमे के अंदर तो हमें ये नहीं दिखाया गया, तो एनिमे के अंदर हमें डायरेक्टली विक्ट्री बेल्ट्रेक दिखाया गया था, जो कि वो बैटल में यूज़ करता था एपिसोड वन से लेकर। फिर कह सकते हो कि हमें ये नहीं दिखाया गया कि वॉल्ट को बेल्ट्रेक कैसे मिला, जहाँ बाकी बेब्लेड सीरीज में टाइसन और जिंगा को उसके ब्लेड्स कैसे मिले ये बताए गए थे। तो वॉल्ट को बेल्ट्रेक कैसे मिला, ये हमें बेब्लेड वर्स्ट की मांगा में दिखाया गया था। जी हाँ, बेब्लेड वर्स्ट की एक मांगा 2015 को लिखी गई थी, और उसमें हमें वॉल्ट का एक बेब्लेड दिखाया गया था जिसका नाम है बेल्ट्रेक क्विंग एसएल, और ये एक राइट स्पिनिंग अटैक टाइप बेब्लेड था। इसी को वॉल्ट ने सबसे पहले शुरुआत में यूज़ किया था, बट इसे एनीमे में अडेप्ट नहीं किया गया। तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि वॉल्ट को उसका बेब्लेड किसने दिया, तो इसे केंटो आओई ने उसे उसका बेब्लेड दिया। अब जिन लोगों को नहीं पता केंटो आई कौन है, तो वो वॉल्ट के फादर हैं। इन्हें बेब्लेड वर्स की सीजन 1 में दिखाया गया था, पर बहुत ही कम समय के लिए उन्हें दिखाया गया था। ये तो बात हो गई कि वॉल्ट को उसका बेब्लेड कैसे मिला। अब हम बात करते हैं बेल्ट्रेक के एवोल्यूशंस के बारे में। तो बेल्ट्रेक के बहुत सारे एवोल्यूशंस आ चुके हैं, जैसे कि मांगा में बेल्ट्रेक क्विंग एसएल, फिर एनिमे के सीजन 1 में विक्ट्री बेल्ट्रेक, फिर बेब्लेड वर्स्ट एवोल्यूशन में जेनेसिस बेल्ट्रेक, स्ट्राइक बेल्ट्रेक, और बेब्लेड वर्स टर्बो में वंडर बेल्ट्रेक और टर्बो बेल्ट्रेक, फिर बेब्लेड वर्स प्राइज में स्वर्ड बेल्ट्रेक, और भी जो लेटेस्ट सीरीज बेब्लेड वर्स स्पार्किंग सुपर किंग है उसमें वॉल्ट का बेब्लेड है ब्रेव बेल्ट्रेक। ये सभी इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। अब हम बात करते हैं कि बेल्ट्रेक का कौन सा इवोल्यूशन किस टाइप का अटैक कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विंग एसल के बारे में। बेल्ट्रेक विंग एसल मांगा में उसने सिर्फ एक ही मूव यूज़ किया था, जो कि है रश लॉन्च। और हम बात करें एनिमे की, तो उसमें तो विक्ट्री बेल्ट्रेक का पहला अटैक है रश लॉन्च, जो कि उसने डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में रंतारो के साथ बैटल करते हुए पहली बार यूज़ किया था। उसके बाद प्रैक्टिस करते करते एक नया मूव सीखता है जिसका नाम होता है फ्लैश लॉन्च, और उसके बाद वो और भी बहुत सारे मूव सीखता है, जैसे कि अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, अल्ट्रा फ्लैश, रश लॉन्च, विंग लॉन्च, स्प्रिंट बूस्ट और एरियल बूस्ट। और उसके बाद बेब्लेड वर्स्ट की जो इवोल्यूशन वाले सीजन है उसमें वो एक और नया बेब्लेड बनाता है, जो कि है और बेल्ट्रेक, या फिर मैं कहूँ जेनेसिस बेल्ट्रेक। तो जेनेसिस बेल्ट्रेक भी बहुत सारे अटैक कर सकता है, जैसे कि स्प्रिंग अटैक, जेनेसिस रिबूट, विंग लॉन्च, रश लॉन्च, फ्लैश लॉन्च, अल्ट्रा फ्लैश लॉन्च, स्प्रिंग विंग लॉन्च और स्प्रिंग रश लॉन्च जैसे अटैक कर सकता है। उसके बाद बेब्लेड वर्स्ट इवोल्यूशन में एक और भी दिखाया गया था, जो कि है स्ट्राइक बेल्ट्रेक, और ये बेल्ट्रेक जेनेसिस वेप और जेनेसिस रिबूट जैसे अटैक कर सकता है। और उसके बाद हमें जेनेसिस बेल्ट्रेक और स्ट्राइक बेल्ट्रेक का अल्टीमेट वर्जन भी दिखाया गया है। इसमें वो अपने हर मूव को अल्टीमेट यूज़ कर सकता है, जैसे कि अल्टीमेट जेनेसिस रिबूट, अल्टीमेट स्प्रिंग अटैक, अल्टीमेट स्प्रिंग विंग लॉन्च, अल्टीमेट जेनेसिस वेव और अल्टीमेट फ्लैश लॉन्च जैसा अटैक यूज़ कर सकता है। उसके बाद बेब्लेड वर्स्ट टर्बो के एपिसोड 1 में हमें एक बे दिखाया गया था जिसका नाम है वंडर बेल्ट्रेक, और ये बेल्ट्रेक भी काफ़ी सारे अटैक कर सकता है, जैसे कि वंडर वेव, वंडर फ्लैश लॉन्च और वंडर विंग लॉन्च। और उसके बाद जो वॉल्ट होता है वो अपना बेब्लेड वंडर बेल्ट्रेक को चेंज करके एक नया बेब्लेड बनाता है, जो कि होता है चोजेड बेल्ट्रेक, या फिर मैं कहूँ टर्बो बेल्ट्रेक। और टर्बो बेल्ट्रेक भी बहुत सारे अटैक कर सकता है, जैसे कि टर्बो अवेकिंग, रश लॉन्च, टर्बो बेल्ट्रेक विप, टर्बो विंग लॉन्च और टर्बो फ्लैश लॉन्च। और फिर जो बेब्लेड वर्स्ट सीजन 4 राइज वाले बेल्ट्रेक का नाम है स्लैश बेल्ट्रेक, जिसे हम कहते हैं स्वर्ड बेल्ट्रेक, और स्वर्ड बेल्ट्रेक भी विंग वेप और हाइपर फ्लैग जैसे अटैक यूज़ कर सकता है।
उसके बाद जो लेटेस्ट सीरीज बेबलेट बर्स्ट स्पार्किंग सुपर किंग है उसका बेबलेट ब्रेव बेल्ट रिएक्ट वो भी रश शूट यानी कि रश लॉन्च और ब्रेव स्वॉट जैसे अटैक यूज कर सकता है। और ये जो ब्रेव स्वॉट अटैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। तो अब आपको मैं सेक्शन में बताना कि आपको बेल्ट्रिक का कौन सा इवोल्यूशन ज़्यादा पसंद है और आपको कौन सा स्पेशल मूव ज़्यादा पसंद है। अब हम बात करते हैं कि क्या बेल्ट्रिक एक फीमेल स्पिरिट है। तो जो बेल्ट्रिक है उसे कुछ लोग मेल समझते हैं बिकॉज उसकी वो हिंदी डबिंग वाली वॉइस मेल ही है। ऐसा नहीं है, जो बेल्ट्रिक है वो एक फीमेल स्पिरिट है। उसका प्रूफ आपके स्क्रीन पर है। अब देखो जो बाकी डब्स हैं यानी कि जैपनीज डब इंग्लिश डब एक्सेट्रा उसमें जो बेल्ट्रिक की वॉइस है वो फीमेल है बट जो हिंदी डबिंग है उसमें बेल्ट्रिक की वॉइस को फीमेल से मेल कर दिया गया था। इसलिए हिंदी डब की ऑडियंस को ये मालूम नहीं है कि बेल्ट्रिक एक फीमेल स्पिरिट है बट जो जैपनीज डब है वो ऑफिशियल डब है तो इसलिए हम बेल्ट्रिक को फीमेल स्पिरिट ही मान लेते हैं। और जो बेल्ट्रिक है उसका बॉन्ड अपने ऑनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था बेल्ट्रिक की वजह से वॉल्ट हमेशा हारते हारते भी जीत जाता है और यह हमें नेशनल टूर्नामेंट में पता चल गया था जब उसकी बैटल जैक द सनराइज से हो रही थी। जो जैक द सनराइज का बेब्लेड ज्यूट्रॉन था वो बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहा था बट जो बेल्ट्रिक है वो रुकने वाला था पर तभी वॉल्ट ने बेल्ट्रिक को पुकारा जिसके बाद जो बेल्ट्रिक है उसने वॉल्ट को जिताकर फाइनल्स में पहुँचाता है। बेल्ट्रिक का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो वॉल्ट के साथ बातें भी करता है। वॉल्ट चाहे बैटल के टाइम हो या ऐसे ही क्यों ना हो वो बेल्ट्रिक के साथ बातें करता रहता है। उसका बेब्लेड इसके लिए बहुत कुछ है। यह हमें बेब्लेड वर्स्ट की सीजन 1 में पता चल गया था कि जब बेल्ट्रिक खो जाता है तो वो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर जब क्वान डिवान उसे उसका बेब्लेड वापस दिलवाता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और बेल्ट्रिक जो है वो हमेशा वॉल्ट को हर मैच जितवाने में मदद करता रहता है और वॉल्ट को बेल्ट्रिक पर बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो उसे हर मैच में जितवाएगा। इसलिए बेल्ट्रिक कभी उसका भरोसा नहीं तोड़ता है और उसे जितवाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। और बेल्ट्रिक की स्पीशियस हॉर्स से ली गई है और इसके हाथ में एक तलवार होता है जिसे वो अटैक के लिए यूज़ करता है। और जब वो तलवार अटैक में टूट जाती है तब वॉल्ट वो बैटल हार जाता है या फिर कह सकते हो कि जब बेल्ट्रिक की स्वॉर्ड टूट जाती है तब बेल्ट्रिक उस बैटल को हार जाता है। और बेल्ट्रिक बेब्लेड वर्स्ट की सीजन 5 में आते थे एक लेजेंडरी बेब्लेड भी बन चुका है। जी हाँ, बेल्ट्रिक एक लेजेंडरी स्पिरिट है जिसकी वजह से उसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ यार, यही वो चीज़ें हैं जो मुझे बेल्ट्रिक के बारे में पता है। अब आपको बेल्ट्रिक के बारे में क्या क्या नया चीज़ें पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी कर देना। और जो लोग भी चैनल पर जो हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।